हेलो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज फैकल्टी ऑफ मैथ्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज ट्वेल्थ सी पार्ट थर्ड मनी चैप्टर का हम ट्वेल्व से पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं पार्ट टू हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और पार्ट थर्ड में आपने डी पार्ट करना है इसमें सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन आप करना है फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको रीड करती हूँ और समझाती हूँ इसमें क्या करना है ओके okay? फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सौरभ बायज़ अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टीन यानी सौरभ ने वॉशिंग मशीन बाय किया सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टीन में ही सेल द वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ एट थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी उसने मतलब सेल मीन्स सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस क्या हुआ उसका वॉशिंग मशीन का एट थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फाइन द गेन और लॉस गेन मीन्स लाभ लॉस मीन्स हानि होता है मतलब कि बायज मीन्स क्या होता है इसको बाय वॉशिंग मशीन यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना हुआ इतना और सेलिंग प्राइस आपका वॉशिंग मशीन का इतना है फाइन द गेन और प्रॉ प्रॉफिट लॉस हमें बताना है कि गेन हुआ कि लॉस अब देखो आप यहाँ से ही कंपेयर करो आ, उसका कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है इट्स मीन क्या हुआ उसको गेन हुआ ना क्योंकि कॉस्ट प्राइज़ इज़ लेस देन सेलिंग प्राइज ओके अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सी पी ऑफ वॉशिंग मशीन इज रुपीज़ सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टीन एंड एस पी ऑफ वॉशिंग मशीन इज एट थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी यहाँ से हमें देखने को पता लग रहा है कि जो एस पी है सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है ओके तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या है एस पी माइनस सी पी एस पी में से सी पी को माइनस कर दिया तो आपका क्या आ गया प्रॉफिट ओके एंड देन सेकेंड क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है कंचन बॉट आ सेकेंड हैंड स्कूटर फोर रुपीज दिस कंचन ने एक सेकेंड हैंड स्कूटर बाय किया बाई किया नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड हैंड स्कूटर इज़ नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड पर वो जो सेकंड हैंड में लेके आता है उसके ऊपर वो और पैसे लगा कर उसको रिपेयर करता है फोर्टीन हंड्रेड पैसे और रुपया लगाता है ये जो रिपेयर करता है ये भी इसके कॉस्ट प्राइज में शामिल होगी तो टोटल कॉस्ट प्राइज कितनी होगी इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा और फिर उसने आ, उसका रिपेयर करने के बाद वो सोल्व कर देता है कितना टेन थाउजेंड का यानी सेलिंग प्राइज ऑफ़ स्कूटर इज़ टेन थाउजेंड फाइन द गेन और लॉस चलो हम देखते हैं कि गेन हुआ या उसको लॉस देखिए सेकंड क्वेश्चन है सीपी ऑफ स्कूटर इतना था आफ्टर रिपेयरिंग उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसमें फोर्टीन हंड्रेड एड हो जाएगा सीपी क्या के आगे टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और सेलिंग प्राइस कितना था टेन थाउजेंड यहाँ से देखिए आप क्या है कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर होता है तो लॉस होता है तो लॉस निकालने का फार्मूला सी पी माइनस एस पी सी पी में से एस पी को माइनस कर दिया आंसर आपका लॉस सिक्स हंड्रेड आ गया ओके okay, स्टूडेंट एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ सलमान बोटा शर्ट रुपीज़ टू हंड्रेड फिफ्टी फिफ्टीन मतलब सलमान क्या करता है दो टू हंड्रेड फिफ्टीन रुपीज़ का क्या करता है शर्ट बाय करता है ही सोल द शर्ट एट प्रॉफिट रुपीज़ फिफ्टी और वो उसको पचास रुपये लाभ लेकर बेच देता है फाइन द सेलिंग प्राइज़ ऑफ़ द शर्ट हमें सेलिंग प्राइज़ ऑफ़ द शर्ट बताना है ओके स्टूडेंट यानी कॉस्ट प्राइज़ ऑफ़ शर्ट टू हंड्रेड फिफ्टीन है और फिफ्टी रुपीज़ प्रॉफिट लेकर वो उसे बेचता है तो हमें क्या बताना है सेलिंग प्राइस अब इसमें क्या है आपको क्या क्या गिवन है देखो कॉस्ट प्राइज़ ऑफ़ शर्ट इज़ रुपीज़ टू हंड्रेड फिफ्टीन एंड प्रॉफिट ऑफ सर्ट फिफ्टी रुपीज़ ये आपको कॉस्ट प्राइस दिया है ये आपका प्रॉफिट दिया है आपको सेलिंग प्राइस निकालना है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो आपके कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं ये हमारा फार्मूला है कि एसपी निकालने का फार्मूला होता क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट सीपी में प्रॉफिट प्लस कर दिया 250 में 50 को प्लस किया तो टू आपका क्या आ गया आंसर आ गया ओके okay, स्टूडेंट नेक्स्ट फोर क्वेश्चन इज बाय सेलिंग अ साइकिल फोर रुपीज टू हंड्रेड फोर टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी अ शॉपकीपर मेडा प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइज ये सेलिंग प्राइज ऑफ साइकिल दिया है इतना और उस पर प्रॉफिट कितना हुआ थ्री हंड्रेड टेन का हमें क्या फाइन करना है कॉस्ट प्राइज ओके अब देखिए इसमें क्या करना है आपको क्या क्या दिग्गबन है सेलिंग प्राइस ऑफ अ साइकिल इज टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी प्रॉफिट ऑफ अ शॉपकीपर थ्री हंड्रेड टेन ये आपका सेलिंग प्राइस दिया है ये आपका प्रॉफिट दिया है आपको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल एस पी में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा कॉस्ट प्राइस तो टू थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी कॉस्ट प्राइज ऑफ साइकिल निकल आया ओके एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज अब अंडो अडो अबाउट सम एक्स फोर रुपीज फोर हंड्रेड फिफ्टी वो एग बाय करता है यानी अंडे खरीद के लाता है बॉट मीन्स कॉस्ट प्राइस ही सोल्ड द एग एट ऑ रुपीज़ वन हंड्रेड सेवेंटी और वो क्या करता है सोल्ड कर देता है कितने लॉस में कितने हानि में वो उसको बेच देता है एक रुपये सत्तर सॉरी वन वन हंड्रेड सेवेंटी रुपीज़ में फाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ एग ये ये एग का कॉस्ट प्राइस है और ये लॉस आपको दिब गिबन है तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है ओके कॉस्ट प्राइस ऑफ एग फोर हंड्रेड फिफ्टी लॉस एट एक्स वन सेवेंटी सेलिंग प्राइस ऑफ एग कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्टैक्ट कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जा जाएगा तो टू हंड्रेड एटी आपका सेलिंग प्राइस आ गया ओके स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन इज बाय सेलिंग अः अल्मीरा फोर रुपीज़ फोर थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव आ शॉपकीपर लॉस्ट रुपीज़ फोर हंड्रेड एट्टी फाइन द कॉस्ट प्राइज ऑफ द अलमीरा देखो कि अलमीरा की सेलिंग प्राइस जितनी है उसको लॉस होता है उसको बेचने पर फाइन द कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस हमें फाइन करना है ये देखिए क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा फोर थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव लॉस ऑफ अनअलमीरा फोर हंड्रेड एट्टी अब अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा निकालने का फार्मूला क्या है सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देंगे तो जब हम सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड किया फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइव आपका कॉस्ट प्राइस आ गया अलमीरा का होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड वेरी वेल थैंक यू